स्टूडेंट्स टुडे टू स्टार्ट नंबर एफएससी पार्ट आवर डिस्कशन फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं फंगस लाइक -like प्रोटिस्ट बच्चे किंगडम प्रोटिस्टा का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं ये प्रॉपरली फंजाई तो नहीं है लेकिन इसकी कुछ करैक्ट्रिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि फंजाई से रिजेबल करती हैं इस वजह से इसको फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है सबसे पहले बच्चे इसकी करैक्ट्रिस्टिक्स ये है कि जिस तरह फंजाई जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती इसी तरह जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं ये भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते मतलब ये अपनी फूड जो है ये खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं सेकेंडली बच्चे इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स ये है जो कि फंजाई से रिजेंबल करती है तो वो ये है कि जिस तरह फंजाई की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा से बनी होती है वैसे ही फंगस लाइक जो प्रोटीस्ट होते हैं इनकी बॉडी भी जो है वो धागे की तरह जो है वो हाइफा से बनी होती है ये बच्चे दो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये फंगस लाइक हैं ठीक है ठीके? तो इसी की बेस पर जो है इसको नेम दे दिया गया था फंगस लाइक प्रोटिस्टा उसके बाद बच्चे हमारे पास डिफ्रेंसीज हैं कि जो फंजाई है वो फंगस लाइक प्रोटिस्टा से कैसे डिफरेंट है या अगर फंगस लाइक प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई की तरह करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी तो फिर इसको किंगडम फंजाई के अंदर क्यों नहीं रखा गया वो बच्चे इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि बच्चे इनके अंदर डिफरेंसेस भी पाए जाते थे सबसे पहला डिफरेंस ये था कि जो फंजाय की सेल वॉल थी वो काइटन से बनी हुई है लेकिन जो हमारे पास फंजाय लाइक प्रोटिस्ट होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है ये बच्चे मेन डिफरेंस था जिसकी वजह से फंगस लाइक प्रोटिस्ट को जो है वो किंगडम फंजाय से बाहर निकाल दिया गया था सेकेंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो फंजाई है इनके अंदर सेंट्रियोल जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं लेकिन जो फंगस लाइक -like प्रोटिस्ट होते हैं इनके अंदर सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल के फंक्शन को आपको पता है कि ये सेल डिवीजन के दौरान क्या करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ठीक है ठीके? तो ये फंजाई के अंदर जो है एबसेंट है और फंगस लाइक -like प्रोटिस्टा के अंदर जो है प्रेजेंट है ये दो मेन से जिसकी बेस पर जो है वो फंगस लाइक प्रोटिस्टा से डिफरेंट है उसके बाद बचे हमारे पास है ग्रुप्स ऑफ फंगस लाइक के जो हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट है इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है तो इसके बचे दो मेजर ग्रुप हैं सबसे पहला जो इसका ग्रुप है वो है स्लाइम मोल्ड और स्लाइम मोल्ड को जो है वो मैगजो भी कहा जाता है सेकेंड इसका ग्रुप है वाटर मोल्ड और इसको जो है वो ओ माइकोट्स भी कहा जाता है ठीक है ये दो जो है वो इसके जो है नेम है इसके ग्रुप हैं फंगस लाइक प्रोटिस्टा के सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड को व्हाट इज स्लाइम मोल्ड आर मैग्जो माइकोटा अब देखिए कि बच्चे आपको पता है कि जो मोल्ड है ये भी फंजाइज से रिलेट है और कोटा का कोटा जो है वो माइकोलॉजी से निकला है स्टडी ऑफ फंजाइज से ठीक है तो ये इसके साथ जो है वो मैक्सो और स्लाइम का वर्ड इस्तेमाल हो गया है मतलब ये प्रॉपरली फंजाई नहीं है लेकिन फंजाई की तरह है अब स्लाइम मोल्ड को बचे स्लाइम मोल्ड क्यों कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी फंगस लाई हमारे पास और हैं जो कि स्लाइम होते हैं नर्म और नाजुक होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ़्ट होती है ठीक है इस वजह से इसको स्लाइम मोल्ड कहा जाता है इसके बच्चे करेक्टर चीज को देखें तो इनके करेक्टर चीज के अंदर जो है वो हमें दो तरह की स्टेजेस नजर आती हैं सबसे पहले इसकी जो स्टेज है वो है फीडिंग स्टेज ठीक है सेकेंड इसकी स्टेज है वो है रिप्रोडक्टिव स्टेज फीडिंग स्टेज के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम है जिसके ऊपर ये फीड करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसके अंदर क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन होती है ठीक है और स्पोर फॉर्मेशन कब होती है जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं उसके बाद जो स्पोर है वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं बनता है और जयगोर्ड की फर्द जो है वो डेवलपमेंट होके प्लाज्मोडियम बनता है ठीक है ये दो डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि स्लाइम मोल्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मोडियम ये हमारे पास स्लाइम मोल्ड की जो है फीडिंग स्टेज है जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है और प्लाज्मोडियम क्या है ये एक बच्चे बड़ा सा सेल है जिसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मल्टी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं ठीक है अगर आपसे कहा जाए कि आपने प्लास्मोडियम को कैसे डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे कि ये फीडिंग स्टेज है किसकी मोल्ड की और ये मल्टी न्यूक्लियट मास होता है साइटोप्लाज्म का ठीक है साइटोप्लाज्म इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसको मल्टी न्यूक्लियट मॉस ऑफ साइटोप्लाज्म कहा जाता है उसके बाद जो इसका डायमीटर होता है वो थर्टी सेंटीमीटर होता है या वन फीट होता है और इनकी जो अपेयरेंस होती है वो स्लाइमी होती है ठीक है नर्मो नाजुक होती है बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है जिस वजह से इसको स्लाइम मोल्ड कहा जाता है यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये आप लोगों को जो है दिखाया गया है स्लाई मोल्ड का फर्स्ट स्लाई मोल्ड की भी जो हमारे पास स्पीशी है वो है फाइसम पॉलीसेफलम ठीक है ये स्पीशी है इनकी बॉडी को आप देख सकते हैं इस तरह की जो है इनकी अपेयरेंस होती है वो स्लाइमी होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है ठीक है उसके बाद हमारे पास ये है कि ये कहाँ कहाँ जो है वो ग्रो करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये है कि ये स्टीम ओवर डैम्प गीली जगहों पर ग्रो करते हैं डिकोइंग लॉग्स जो गली सड़ी लकड़ी होती है उसके ऊपर ग्रो करते हैं और लीफ लिटर जो पत्ते गल सड़ जाते हैं उनके ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं या उनके ऊपर जो है ये रहते हैं अब जैसे ही बच्चे ये इनके ऊपर ग्रो करते हैं तो ये अपना एक चैनल का नेटवर्क बनाते हैं और इसका नेटवर्क बनने की वजह से क्या होता है कि ये कवर करते हैं लार्ज सरफेस एरिया को मतलब जितना ज़्यादा इनका सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होगी वो ज्यादा होगी उसके बाद ये क्या है कि जब ये क्रीपिंग मोमेंट में होते हैं मतलब रिंगिंग रिंग रहे रिंग होते हैं तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया को इंजस्ट करते हैं मतलब बैक्टीरिया को खाते हैं यीस्ट को खाते हैं या स्पोर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर जो है ये डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके बाद बच्चे हमारे पास सेकेंड इज की स्टेज है वो है रिप्रोडक्टिव स्टेज रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर क्या होता है सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं मतलब इन्वामेंट जो होता है वो सूटेबल नहीं होता तो क्या होता है कि जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये हेप्लाइड स्पोर्स बनाते हैं और हेप्लाइट्स स्पोर्स भी जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं रेजिस्टेंट का मतलब है कि उनके ऊपर जो है वो मोटी सख्त वॉल होती है ठीक है तो ये ह्लाइड्स स्पोर जो होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये बच्चे के से है प्रोड्यूस होते हैं हमसेज आपको पता है कि सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो अप्लाइड जो है गेमिट्स या अप्लाइड स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है ठिके? अब ये जो हमारे पास स्पोर्ट्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं इनके अंदर बच्चे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्परंजियो फोर कहते हैं स्परंजियो फोर के ऊपर जो एक और जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्परंजिया कहते हैं उस पुरेंचिया के अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो स्पोर्ट्स के ऊपर जो हम रेजिस्टेंट वॉल बन जाती है क्योंकि कंडीशन जो होती है वो अनफेवरेबल होती है लेकिन जैसे ही बच्चे कंडीशन फेवरेबल हो जाती है मतलब जो इन्वामेंटल इन्वायरमेंट होता है वो सूटेबल हो जाता है तो क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं जैसे ही स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो बच्चे वो बायफ्लैजिलेट और अमीबॉइड जो सेल्स हैं वो बनाते हैं ठीक है ठीके? और इन सेल्स को जो है वो स्वाम सेल्स भी कहा जाता है ठीक है स्वाम सेल्स के लिए एक और हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं मतलब इसके जो हैं एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम है बायो भी इसको कह सकते हैं अमीबॉइड भी कह सकते हैं स्वाम सेल्स भी कह सकते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं ठीक है ये जैसे ही स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो ये सेल्स बनेंगे उसके बाद क्या होगा कि जयगोड बनेगा मतलब इन सेल के मिलने की वजह से क्या होगा जायगोर्ड बनेगा और जायगोर्ड से जो है फर्दर प्लासमोडियम बनेगा यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वार्म सेल्स वो यूनाइट करते हैं जैसे ही वो यूनाइट करते हैं तो डिप्लॉयड जयगोड बनता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डबल होते हैं उसके बाद बच्चे क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है जो जायकोड उसके अंदर बना होता है वो डेवलप होके किस में चेंज हो जाता है प्लास्मोडियम में चेंज हो जाता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जायकोड बन गया था पीछे अब जयकोड क्या होगा कि जो है वो डेवलपमेंट इसके अंदर होगी और डिवेल्पमेंट होके एक मल्टी न्यूक्लियर सेल बनेगा जिसको प्लास्मोडियम कहते हैं अब प्लासमोडियम जो है एक बड़ा सा सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और हर न्यूक्लियस होता है वो डिप्लोइड होता है मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल होते हैं क्लियर उसके बाद बच्चे ये पूरा साइकिल जो है वो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है कि यंग स्पोरेंजियो जो है वो बनता है और ये कब बनता है जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होती हैं ठीक है इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ये हमारे पास क्या है ये स्पुरंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और इसके साथ ये स्टॉक लगी हुई है इस स्टॉक को जो है वो स्पुरंजियो फोर भी कहते हैं ठीक है ठीके? ये बच्चे सारे स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने फंजाई के अंदर डिस्कस किए हुए हैं ठीक है ठीके? ये हमारे पास जो स्टॉक है वो स्पुरंजियो फोर है इसके ऊपर स्पुरंजिया होता है जिसके अंदर जो है वो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं बायम्योसिस अब यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स हैं इनके ऊपर रेजिस्टेंट वॉल बनी हुई है ऐसे ही है। क्योंकि कंडीशन क्या है अनफेवरेबल है।, है, है, तो है, है जैसे ही कंडीशन अनफे जो है अनफेवरेबल से फेवरेबल हो जाती हैं तो ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एमिबॉयड सेल्स बनते हैं और फ्लैचिलेटेड सेल्स बनते हैं अब फ्लैचलेटी सेल मिलके क्या बना देते हैं बाय बना देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल होता है और दोनों साइड पे क्या होते हैं फ्लैचिला मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसको हम बाय सेल कहते हैं अब इन सेल्स के अंदर क्या होता है कि बच्चे सिन कैमी होती है मतलब जो है वो ग्स या स्पोर्ट्स मिलते हैं वो स्पोर्ट मिल क्या करते हैं जायगोर्ड बनाते हैं

ये हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाता है जैसे ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्म जो है वो उसके अंदर मूवमेंट जो है वो कैसे होती है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और साइटोस्कैल्टन के फंक्शन के लिए जो है इसको एज अ बायलॉजिकल रिसर्च के तौर पर यूज़ किया जा सकता है उसके बाद बचे हमारे पास इसकी सेकेंड जो इसका ग्रुप है वो है वाटर मोल्ड वाटर मोल्ड को जो है वो ओ माइकोट्स भी कहते हैं ठीक है ठीके? ये हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो कि फंजाई से ज़्यादा क्लोज है इससे ज़्यादा रिलेट करता है ठीक है क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं फंजाई के और वाटर मोल्ड के ठीक है और तीसरी बड़ी बच्चे बात ये है कि ये एनशियड ग्रुप है प्रोटिस्टा का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटिस्टा का सबसे एंशियट ग्रुप कौन सा है तो वो हमारे पास वाटर मोल्ड है ठीक है क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताती है कि ये हमारे पास सबसे पुराना ग्रुप है प्रोटिस्टा का इनके सेल वॉल जो जो हमारे पास वाटर मोल्ड होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल लो से बनी होती है और इनकी जो बॉडी है वो हाइफा से ही बनी होती है जो हाइफा होता है वो एसेप्टेड होता है ए सेपरेट का क्या मतलब है विदाउट क्रॉस वॉल्स उनके दरम्यान में दीवारें नहीं होती बल्कि एक बड़ा सा सेल होता है जिसके अंदर जो है वो मल्टी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं उसके बाद बचे ये जो हमारे पास वाटर मोल्ड है ये पैथोजेनिक फॉर्म है किसकी कि जो हमारे पास फंगस लाइक -like प्रोटीस्ट है ये इसकी जो है वो पैथोजेनिक फॉर्म है अब पैथोजेनिक फॉर्म हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा जो पैथोजेंस होते हैं वो इकट्ठे होकर डिफरेंट डिजीज जो है वो कॉज करते हैं इसके जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पैथोजेनिक ग्रुप है वो है फाइटोपथरा इन्फेस्टेंस ठीक है ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अक्सर पेपर में ये पूछा जा सकता है ठीक है तो ये हमारे पास है फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस इस ये ऐसा हमारे पास ग्रुप है या ऐसी पैथोजेनिक फॉर्म है जो कि डिजीज कॉज करती है और डिजीज किन के अंदर कॉज करती है पोटाटो के अंदर ठीक है जो आलू होते हैं उनके अंदर ये डिजीज कॉज करती है इसके जो स्प्रेंचिया फोर हैं ठीक है वो अंडर साइड ऑफ लीफ स्टार्ट होते हैं मतलब आपको बताया कि जो पोटाटो होते हैं वो अंडर साइड होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं तो अंडरग्राउंड पे जो है इनके स्प्रेंजियो फोर बनते हैं उस स्प्रेंचियो फोर से फिर फर्दर स्प्रेंजिया बन के उसके अंदर स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्ट इसी तरह जर्मिनेट करके पटाटो के अंदर डिजीज कॉज करते हैं अब ये बच्चे बताया गया कि नाइनटीन सेंचुरी के अंदर जो है ये ईश पटाटो फेमाइन हुआ था ठीक है पटाटो का जो है वो कहत पड़ गया था नाइन्टीन सेंचुरी में आयरलैंड में क्यों पड़ गया था क्योंकि इसकी वजह से वाटर मोल्ड की वजह से क्यों हुआ था ऐसा क्योंकि हमारे पास एटीन फोर्टीज़ के अंदर आयरलैंड में क्या था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिशें हुई और काफ़ी ज़्यादा सर्दी का मौसम रहा जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वाटर मोल्ड है उसने क्या करना शुरू कर दिया उसने अपने ग्रोथ ज़्यादा तेज़ कर दी क्योंकि उसको कंडीशन जो है वो फेवरेबल मिली हुई थी जब उसकी कंडीशन सूटेबल थी तो वो इजीली वहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे जैसे ही बच्चे वहाँ हमारे पास वाटर मोल्ड ने मल्टीप्लाई किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ के वाटर मोल्ड की अमाउंट ज्यादा होगी वाटर मोल्ड की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से उन्होंने पोटाटोस के अंदर क्या कर दी डिजीज का डिजीज जो है वो कॉज कर दी थी उस डिजीज का नाम है हमारे पास लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटोसि को पूछ लिया जाता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो किसकी वजह से होता है तो अभी हमने पीछे डिजीज जो है वो डिस्कस की है ऑर्गेनिज्म का नेम डिस्कस किया है कि फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस होता है जिसकी वजह से पोटाटो के अंदर लेट ब्लाइट की डिजीज कॉज होती है ठीक है अब देखिये एटीन फोर्टीज के, के अंदर वाटर मोट जो है वो ज्यादा हो गए थे जैसे ही वाटर मोट ज्यादा हुए तो उन्होंने पटाटो ट्यूबर्स की जो फील्ड थी उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया था मतलब काफी ज्यादा जो है वो पटाटो की फसलें खराब हो गई थी अब क्या हुआ का हुआ था कि जो हमारे पास आयरलैंड के रहने वाले लोग थे उनकी जो स्टेपल फूड थी या बेसिक फूड आप ये कह सकते हैं वो पोटाटो थी मतलब उसमें मेजोरिटी लोग जो थे वो पोटाटो के ऊपर डिपेंड करते थे वो उनकी इम्पोर्टेंट डाइट थी जिसके ऊपर वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर रहे थे ठीक है अब चूंकि वहाँ पोटाटोज के अंदर डिजीज कॉज हो गई थी तो पोटाटो कम हो गए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ होना शुरू हो गई थी और वहाँ बचे एस्टीमेट जो लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि तकरीबन वन मिलियन लोगों की डेथ हुई थी पटाटो ना होने की वजह से मतलब टू फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा लोग थे जो कि पटाटो की वजह से मर गए थे ठीक है मैनी पीपल वर माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज अब वन मिलियन की तो डेथ हो गई थी लेकिन जो बाकी बच गए थे वो माइग्रेट करके किसी दूसरे कंट्री में चले गए जैसे यू में ठीक है उन्होंने माइग्रेट कर दिया था माइग्रेट जो है वो करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको उनकी फूड नहीं मिल रही थी तो इस वजह से वो आइलैंड को छोड़ के यूएसए में शिफ्ट हो गए थे यहाँ बच्चे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को फाइटो इन्फेस्टेंस का जो है वो दिखाया गया है ये हमारे पास जो है वो फाइटो इन्फेस्टेंस है ठीक है और ये हमारे पास जो है वो पटाटो का लीफ है ठीक है इस पटाटो के लीफ के ऊपर जो है ये फाइटो इन्फेस्टेंस जो है वो इसकी अंडर साइड पे अभी हमने पीछे डिस्कस किया ना कि इसकी जो अंडर साइड है वहाँ से वो एंटर होता है और एंटर होकर क्या करता है अपने हाइफा के थ्रू वहाँ बनाता है स्पेंजियोफोर और स्पेंजियोफोर से क्या होता है कि वो स्पोर्स स्पोर्ट्स क्रिएट करता है और स्पोर्स यहाँ जर्मिनेट होकर इस पूरे पोटाटो को जो है वो पोटाटो की जो लीफ है इनके अंदर डिजीज कॉज करते हैं जिसको लेट ब्लाइट कहते हैं ठीक है इनके अंदर क्या होता है कि क्नेडियो फोर बनता है क्नीडियो फोर से फर्दर कुडियम बनते हैं और क्नेडियम भी आपको पता है कि ये स्पोर्स की ही एक टाइप है ये आप लोगों ने फंजाई चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है ठीक है तो कनेडिया जो होते हैं ये अपने खाता हाँ के थ्रू क्या करते हैं कि इनकी लीफ के अंदर एंटर करते हैं और एंटर होकर वहाँ जर्मिनेट करके उस लीफ को जो है वो डैमेज कर देते हैं उनके अंदर डिजीज कॉज करते हैं क्लियर ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर होप्सू आपको समझ आ गया होगा आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ खत्म हुआ चाहता है आप लोगों ने इस चैप्टर को बड़े अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एम सी गुज आने हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो अच्छे से याद करना है ओके बच्चों अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच